Good morning, all of you. How are you all? Hope you all are doing well and stay safe at your home. As we all know that due to COVID-19, all the educational institutions are on off. That's the reason there are so much loss of education to all the students. So I thought to provide the important content from accountancy to all of you through my YouTube channel, so that we all utilize our quarantine period efficiently and effectively. So today we are going to discuss an important topic from accountancy, that is past adjustment. And this is relevant for school, college, as well as professional students. So let's start our topic, that is past adjustment. See, the statement we use is past adjustment. It means there are something, some error which is occurred in past, and now we have to adjust that error, omission, or wrong distribution. So this topic is whole soul related to the omissions and wrong distribution. And in this, the mistakes is related to partnership agreement, the clauses of partnership agreement, or amendment in partnership deeds, or maybe some transactions which remain unrecorded at the end of accounting period. And now we have to rectify it, and this is called past adjustment. Fine. So jo hamara topic hai, basically ye partnership se related hai, aur partnership mein jo galtiyan humne apne agreement mein ki hai, ya fir कुछ क्लॉजेस जो हमें समझ में नहीं आए या पार्टनर्स को समझ में नहीं आए और उन्होंने इस क्लॉज को गलत तरह से ट्रीट कर दिया, या फिर आपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के बारे में सोचा और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ सोचा. रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पिछले जितने सालों से भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हम वापस जाएंगे और वहाँ से उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए आएंगे. और साथ ही साथ में अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में और हमें एंड में पता चलता है, तो हम पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस मैथोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, उस मैथोलॉजी का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट. देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट जो हमारी मिस्टेक्स होंगी वो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं. या तो मिस्टेक हो सकती है आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, या फिर जो क्लॉजेज हैं उनमें मिस्टेक हो सकती है. आपको पता है पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में बिजनेस को कैसे रन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हम लिखते हैं. तो अगर उन क्लॉज में कोई फ्लॉ हो गया है, उस क्लॉज को समझने में कोई मिस्टेक हो गई है और उसकी वजह से कोई गलती हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे. या फिर आफ्टर टाइम रियलाइज होता है कि जो हमारा PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो गलत है, हमें इसको चेंज करना है, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुई है, आपके पार्टनरशिप डीड में कोई अमेंडमेंट हो रही है और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, तो उसके लिए भी जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे दैट इज पार्टनरशिप पास्ट एडजस्टमेंट. और लास्ट में कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो आप भूल गए थे एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में आपको समझ में आया, तो उसको भी आप क्या दोगे, उसको भी इफेक्ट दोगे, और उस इफेक्ट को हम बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट. अब गलतियाँ कैसी हो सकती हैं? अब हम सबको पता है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास मिस्टेक्स यानी ओमिशंस जो हो सकते हैं वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं. आइदर इट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और वी कैन से
there is some mistake in salary or commission. हमने salary ज़्यादा दे दी, हमने salary नहीं दी, commission का rate गलत दे दिया या फिर commission नहीं दिया, या फिर उसके अलावा कोई भी other expense हमारा उसमें कोई mistake हो सकती है, या फिर distribution of profit में wrong distribution हो सकता है. तो कौन-कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं? पहला interest on capital, या तो omit हुआ होगा, आपने उसको बिल्कुल भी ignore कर दिया होगा, या फिर wrong distribution हो गया, 6% से करना था, 8% से कर दिया, या फिर 8% से करना था, हमने 6% से कर दिया, ऐसी mistake हो सकती है. ऐसे ही interest on drawing में हो सकता है कि या तो आप interest on drawing जो है वो आपको partner नहीं देगा, या फिर उसका distribution गलत हो गया होगा. ऐसे ही salary और commission के साथ हो सकता है. और जो other expenses है, interest on loan हो गया, या फिर कोई reserve बनाने को था हमने नहीं बनाया, ये mistakes हो सकती है. और अब मैं ये नहीं बोल सकती आपसे कि distribution of profit जो है वो omit हो सकता है. ये तो कभी भी नहीं होगा कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप में प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ओमिशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन यस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो सकता है कि हाँ कुछ गलती हो गई है. आपको पीएसआर, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, आपने 2:1 में कर लिया, या फिर 2:1 था इक्वल कर लिया, ऐसी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं. अब ये जितनी भी मैंने गलतियां काउंट की, इन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट. तो जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो पेमेंट के टाइम पे मिस्टेक हो सकती है, जो पेमेंट करनी थी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या फिर कोई एक्सपेंसेस, या फिर इनकम के टाइम पे हो सकती है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट समझाती हूँ. अगर एक स्टूडेंट ने, एक पर्सन ने, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो गलती हुई है वो ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट है, यानी किसी पेमेंट के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हुई, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी या कमीशन में कोई गलती हुई है, तो हमें पता है पेमेंट मीन्स वॉट. पेमेंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो इसका मतलब ये है कि ये डेबिट से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है. ये इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट. आपने जो मिस्टेक कर दी थी, फॉर एग्जाम्पल आपको 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपको पता है अगर आप 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए उसका पेमेंट होता है. तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट पे करने की वजह से उस पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा. मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि डेबिट साइड में आपके सारी पेमेंट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं. तो जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना के दिखा दूँ. अगर मान लीजिए ये एप्रोप्रिएशन है, आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया 1,00,000 रुपए का, अब आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म के लिए पेमेंट है 40,000 रुपीज का नहीं पे किया, तो आपने क्या किया होगा, ये पूरा 1,00,000 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तीनों पार्टनर में, एबीसी में. इसका मतलब हर एक पार्टनर को कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा मिला होगा. एम आई राइट? आपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. अगर आप इस ये गलती नहीं करते तो आप 1,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आप 1,00,000 में से पहले 40 का एक्सपेंस पे यानी पेमेंट पे करते और रिमेनिंग 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते उनके पीएसआर में, ठीक है. लेकिन अब ये गलती हो गई, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको रॉन्ग जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नॉन पेमेंट की वजह से, उस अमाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि हमारे पेमेंट का डेबिट बैलेंस होता है. उसके बाद आप जो करेक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा. आपने वो कर दिया, उसका डिफरेंस निकाला और आपने उसके लिए एंट्री पास कर दी. क्वेश्चन देखिए कैसा होगा. ये आपका क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज 3,00,000, 2,00,000 एंड 1,00,000. तीन पार्टनर्स थे, 5:3:2 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. उनका फिक्स वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी एंट्री जो पास होगी वो करंट के नाम से, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन होता है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. जब भी क्वेश्चन में फिक्स वर्ड हो जाएगा इसका मतलब आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर करंट. समझ में आ रहा है? ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है.
तो ये 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख हो गया. फॉर द ईयर एंडेड 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% आपने दे दिया 8% की बजाय. तो अभी ये आपने गलती कर दी है, पेमेंट में आपने मिस्टेक कर दी है. तो सबसे पहले हमने क्या फॉर्मेट में सीखा था कि जो मिस्टेक हुई है उसको आपको डेबिट करना है. तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख का 10% पहले निकालोगे. दैट इज 30,000, 20,000 एंड 10,000. यानी आपने 60,000 रुपीज को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब अगर आप सही डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना कितना पेमेंट जाता उनको, तो वो आप क्रेडिट करोगे जो करेक्ट अमाउंट होगा. तो आपने 8% 3 लाख का, 2 लाख का और 1 लाख का, दैट इज 24,000, 16,000 एंड 8,000. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो आपने गलती की उसमें आपने 60,000 डेबिट कर दिया लेकिन क्रेडिट हुआ, होना चाहिए था सिर्फ 48,000. इसका मतलब आपने 12,000 रुपए का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है. इसी का इफेक्ट आपको एक सिंगल एंट्री से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है. अब क्या करोगे आप, इस 12,000 रुपीज को इनके पीएसआर में, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डेबिट किया है. अब इसको पीएसआर में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी इनको इनका रिस्पेक्टिव रेशियो दोगे, वो हो जाएगा 6,000, 3,600 एंड 2,400. अब क्रेडिट को ऐड करना है और डेबिट में से लेस करना है. 30,000 में से 30,000 गया, निल अमाउंट आ गया. 20,000 में से 19,600 गया, 4,000 क्रेडिट का बैलेंस. 10,000 में से 10,400 गया, 400 रुपीज क्रेडिट बैलेंस. अब आपको यहीं से इस इफेक्ट को, जो नेट इफेक्ट आपका आया है, इसको देखते हुए एक सिंगल एंट्री पास करनी है कि यस, इन गलतियों की वजह से 400 रुपए से वाई को डेबिट करना है, और अगर 400 रुपए से हम जेड को क्रेडिट कर दें तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमारी एक सिंगल एंट्री होगी, जिससे फाइनल मिस्टेक जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा. ठीक है, तो हम एंट्री पास कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अब मुझे ध्यान से आप सोच के बताना कि मुझे यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखना चाहिए या करंट वर्ड लिखना चाहिए. वेरी गुड मैम, यहाँ पे तो करंट वर्ड आएगा क्योंकि इसमें कैपिटल के आगे फिक्स वर्ड एसोसिएट हुआ है. इसका मतलब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, जेड एस करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, और इसका जो नेट इफेक्ट आया है वो आप यहाँ पे. ठीक है, क्या किया मैंने, आप ध्यान से समझना, क्या फॉर्मेट था, फॉर्मेट था फर्स्ट जो गलती आपने की उसको डेबिट कर दो, जो एक्चुअली में होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो, और उन दोनों की का जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, मैंने वही किया, डेबिट किया 10% से, क्रेडिट किया एट द रेट ऑफ 8% से, जो सही होना चाहिए था. अब इसका जो नेट इफेक्ट आया 12,000 रुपए, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नेट इफेक्ट से एंट्री पास कर दी. ठीक है, अब यही क्वेश्चन उल्टा भी तो हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ 8% आपने 10% दे दिया. हो सकता है आपको कम देना था बट आपने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसकी वजह से तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा. जहां एक तरह से देखा जाए तो जहां आपको 48,000 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1 लाख में से, और रिमेनिंग जो आपका 52,000 रुपीज था वो आपका क्या होता, डिस्ट्रीब्यूट होता है पीएसआर में, लेकिन अब आपने 60 दे दिया जिसकी वजह से 40,000 पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जिसकी वजह से जो 12,000 का इफेक्ट आ रहा होगा उसका कोई उसका रॉन्ग इफेक्ट दिख गया होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको भी रेक्टिफाई करना. अब यही सेम क्वेश्चन है, अब मैं 8% को यहाँ 8% कर देती हूँ और इसको 10% कर देती हूँ, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा. सेम चीज हो गई फिर से, ये देखिए, अगर मैं रॉन्ग क्या हुआ है 8% से, करना था 10%, तो पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 8% किया, 3 लाख का, 2 लाख का और 1 लाख का, 48 डेबिट हो गया. करना कितना चाहिए था 3 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख, दैट इज 12,000 का जो डिफरेंस है, यानी 12,000 का इफेक्ट जो है वो आपने गलत डाल दिया. डेबिट तो जो रॉन्ग हुआ है वो डेबिट होगा, तो इसका मतलब क्या है, अब आपको जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको आपको सही करने के लिए जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आया है
वो PSR में डेबिट करना पड़ेगा, जो गलती हुई है वो डेबिट होगी। ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया आ गई, ये क्रेडिट ये डेबिट, इसका नेट इफेक्ट आपने वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट से शो कर दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ये हमने क्या किया, ये हमारा था वेन देर इज अ ओमिशन और एरर इन विच इन योर पेमेंट, आपके पेमेंट में हुआ है। तो पेमेंट के टाइम पे क्या करना है आपको, पेमेंट के टाइम पे जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या करना है आपको, डेबिट करना है, यानी जो भी आपने गलत किया उसको डेबिट कर दो, जितना जो सही होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो और उसके डिफरेंट को PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट जब हमारा पेमेंट में मिस्टेक था। ऐसे ही हमारे इनकम पर भी गलती हो सकती है, नॉन रिकॉर्डिंग इनकम की भी हो सकती है। ठीक है, इनकम बिजनेस के लिए क्या होगा बात करो, मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन में 5 आइटम ट्रांसफर होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन, और अगर बोला है तो रिजर्व। तो इन सब में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना है फॉर्म के लिए एक्सपेंस यानी पेमेंट, और आपका सैलरी पेमेंट, कमीशन पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को दिया था पेमेंट, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो क्या है, ड्रॉइंग का मतलब क्या है, एनी अमाउंट विच इज विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पार्टनर्स, इसका मतलब पार्टनर्स ने फॉर्म से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो ये जैसे एक पार्टनर अपने कैपिटल से पे फॉर्म से पैसा इंटरेस्ट ले रहा है, वैसे ही अगर आपने फॉर्म का पैसा यूज किया ड्राइंग की फॉर्म में पर्सनल यूज के लिए, तो एज अ पार्टनर आपको भी तो रिटर्न देना है, तो उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी फॉर्म के लिए आप उसका इनकम माना जाता है, इसका साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मेट क्या है, अगर आपने जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि इनकम की बात कर रहा है ये, तो आपके इनकम के केस में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने उसको जो गलती उसको क्रेडिट कर दिया। फिर जो अमाउंट एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, करेक्ट अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो होना, उसको डेबिट कर दिया, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपने PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए आप, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ रुपीज, जस्ट वेट, शेयर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 750 इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स थे फॉर्म में एक्स वाई और जेड, वो 750,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे विदाउट प्रोवाइडिंग, क्या नहीं दिया उन्होंने, बिना इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, यानी वाई ने फॉर्म को एक लोन प्रोवाइड किया था 5,00,000 रुपए का, उस पर जो भी इंटरेस्ट बन रहा था उस इंटरेस्ट को बिना दिए 7,50,000 के प्रॉफिट को उन्होंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों के लिए ही डीड साइलेंट है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। ध्यान से सोच के बताना, इफ जस्ट वेट, अगर मैंने आपको क्लास में समझाया था, इफ if deed is silent so now we're going to start the solution of this question. See, you can see there the question is there are three partners, the profit is of rupees 750 aur aapne us profit ko 2:1 mein distribute kar diya bina interest on loan provide ki। लोन कितने का था, 5,00,000 रुपए का था। इस क्वेश्चन में डीड साइलेंट है, जब क्वेश्चन में डीड साइलेंट होता है तो मैंने आपको कुछ रूल्स सिखाए थे। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे, दैट इज नो। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, दैट इज नो। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, यस मैम। कितने परसेंट से मिलेगा, 6% से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर डीड साइलेंट है, मैम इक्वल। सैलरी और कमीशन क्या हम किसी को प्रोवाइड करेंगे,
मैम नो, याद आया आपको, हमने क्लास में ये चीज की थी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डीड साइलेंट होता है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होता है। अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुई है, दो डबल डबल मिस्टेक्स हुई है। पहला, डीड साइलेंट था फिर भी प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पहली मिस्टेक हो गई। दूसरा मिस्टेक क्या बोल रहा है वो, कि आपने एक पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया है। अब ये दोनों ही चीजों का रेक्टिफिकेशन हमें करना है और इन दोनों के इफेक्ट को अपनी एडजस्टमेंट टेबल में देने के बाद जो अल्टीमेट एक सिंगल एंट्री बनेगी विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, वो हमें पास करनी है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किस चीज का, ध्यान से देखिए आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, एक्स है, Y है और Z है, आपके तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन 7,50,000 का हुआ है, दैट इज 7,50,000 को आपने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया रादर देन इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में डीड साइलेंट था, तो पहली मिस्टेक हो गई। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं 750 को 2:2 और 1 में करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 7,50,000 का 2 / 5 दैट इज 3 lakh rupees। एक्स को कितना मिलेगा, 3 lakh। वाई को कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन 3 lakh। और 1 यानी आपके जेड को मिलेगा 1,50,000। टोटल कितना हो गया आप देख सकते हैं, दैट इज 7,50,000, ठीक है। अब इसको मैं करेक्ट करूंगी तो करेक्ट की एंट्री में क्या पास करूंगी, क्रेडिट। अगर मैं क्रेडिट करती हूँ तो अगर मुझे करेक्ट एंट्री पास करने की बात की जाए तो 1:1 में होनी चाहिए क्योंकि डीड साइलेंट है। और साथ ही साथ में वन मोर थिंग, मुझे एक चीज और रेक्टिफाई करनी होगी कि जो 7,50,000 का प्रॉफिट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रॉफिट है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि उसमें से मुझे मेरे एक पार्टनर को 5 लाख पे 6% का लोन देना है क्योंकि डीड जो है वो साइलेंट है। तो अगर मैं 5 लाख रुपए का 6% निकालती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज अराउंड 5,630,000 rupees। तो एक्चुअली में 7,50,000 करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पहले आपको 750 में से अपने जो भी चार्जेस है, यानी जो भी आपका वो आपको पे करना है आपको, दैट इज 3 lakh 5 lakh का 6%, 30,000 rupees, कितना बच गया, 7,20,000, 7,20,000। अब इसको आपको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये होगा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। गलती क्या की आपने, 7,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सही क्या था, सही ये था कि पहले आपको जो भी प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट पे करना था और बचे हुए प्रॉफिट को एज पर साइलेंट डीड 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। मैंने जब इसको सही किया तो 240 और 240 आ गया। अब ध्यान अगर आप देखेंगे ना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30,000 rupees। ये वही 30,000 तो है जो मिस्टेक हुआ है, जो एरर हुआ है हमसे। अब इसको सही कैसे करेंगे, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा किसके अकाउंट में, जिसका रेस्पेक्टिव शेयर है, और वो किसका शेयर है, वाई का शेयर है। इसे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसे भी कुछ नहीं मिलेगा। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको नेट इफेक्ट देंगे। नेट इफेक्ट कैसे आएगा, देखो 3 lakh rupees का डेबिट बैलेंस, 240 का क्रेडिट बैलेंस, तो 60,000 rupees का कौन सा बैलेंस आ जाएगा आपका, दैट इज डेबिट बैलेंस, जो साइड बड़ी है उसके हिसाब से करेंगे। 3 lakh rupees का डेबिट बैलेंस और 2,70,000 rupees का क्रेडिट बैलेंस, अगेन 30,000 rupees का क्या आ गया, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे 150 का डेबिट बैलेंस और 240 का क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स 90,000 rupees का क्या आ गया आपका, क्रेडिट बैलेंस। आपने नेट इफेक्ट दे दिया। अब ध्यान से देखोगे, अगर आप डेबिट को ऐड कर रहे हो क्रेडिट के बराबर है, अब इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, कोई फिक्स वर्ड यूज नहीं किया है तो मैं कैपिटल अकाउंट से पास करूंगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना कितना आ गया, 60,000 rupees, 30,000 rupees एंड 90,000 rupees। Being adjustment entry passed, ये हो गया आपका past adjustment का concept। I hope you guys understand। आप लोग के पास 5 मिनट हैं, आप इसे copy कीजिए, ये जितने भी content और formats हैं अपनी notebook में। इसके बाद मैं आपको आपकी book से questions practice करवाती हूँ।
ठीक है. सो लेट स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और साथ में आपको फिर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी. क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन है, पी क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. द पार्टनरशिप डीड, यानी हम क्वेश्चन में कोटेशंस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पार्टनर पी एंड क्यू एंड देयर कैपिटल इज ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज द डीड इज डीड प्रोवाइड IOC interest on capital at the rate of 12% and at the end of year the profit is of rupees. There is no such statement that what is the amount. The question is, for the year ended 31st March 2016 the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. Question mein प्रॉफिट नहीं बताया लेकिन ये बोल दिया कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें से, यानी कितना भी प्रॉफिट रहा हो उस प्रॉफिट में से आपने क्या नहीं पे किया था, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया और आपने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अगर आप इसका एनालिसिस करके देखेंगे, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बोला, अगर मान लेते हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रहा होगा तो इस 1 लाख में से आपने आईओसी, अगर मान लीजिए 40,000 का आईओसी है तीनों पार्टनर का, वो नहीं पे किया, सीधा आपने इस पूरे 1 लाख रुपए को पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वली दिया है 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि आपने गलत किया. 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, पहले इस 1 लाख में से 40,000 को आपको पे करना था, बचा हुआ जो 60,000 आता उस 60,000 रुपीज को जब आप 1:1:1 में करते तो इनको एक्चुअली शेयर मिलता 20,000 ईच, लेकिन अब ज्यादा मिला होगा. तो अब इस गलती को हमें रेक्टिफाई करना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल. मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. सोल्यूशन में बनाऊंगी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये रहा आपका स्टेटमेंट. कितने पार्टनर्स हैं, पी और क्यू, और इनमें एक टोटल का कॉलम बनाते हैं. पी क्यू टोटल, सबसे पहले आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, वो कितना आएगा देख लेते हैं हम लोग. ये आएगा 2 लाख रुपए का 12%, 12×2=24, 24,000. देन क्यू का आएगा हमारा 3 लाख रुपीज का 36,000 रुपीज. टोटल कितना आ जाएगा, 60,000 का इफेक्ट हमने गलत शो किया है. ठीक है, देन लेस, इसमें से हमें क्या लेस करना है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपने गलती की है उसको सही करना है. तो आपने क्या किया होगा, आपने इन दोनों पार्टनर्स में इस 60 जो 12% यानी 60,000 रुपया है, इस 60,000 रुपए को आपने किस में, कौन से रेशियो में बांट दिया होगा, इक्वल 1:1 में, यानी हर एक पार्टनर को कितना कितना मिल गया होगा, 30,000 रुपीज, है ना. ये हो गया आपका 60 का नेट इफेक्ट. ठीक है, तो इसका जो नेट इफेक्ट आया, देखिए कैसे आया नेट इफेक्ट, टोटल तो ये नेल हो गया, 60 से डेबिट हुआ, 60 से क्रेडिट हुआ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, दैट इज 60,000 रुपीज आपका, 36 माइनस 6 पॉजिटिव. ठीक है, अब इसकी अगर मैं एंट्री पास करती हूँ तो ये आपको पता है कि ये आपका डेबिट हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है. इसमें से आपका डेबिट साइड बढ़ा, इनमें से आपका क्रेडिट साइड बढ़ा. तो इसकी एंट्री में क्या पास करूंगी, इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो जाएगी पीस पीस करंट अकाउंट डेबिट पीस करंट क्यू वर्ड यूज किया, इक्वेशन में फिक्स वर्ड यूज किया है कैपिटल के साथ, टू क्यूज करंट अकाउंट कितने से, 6,000 से, बीइंग
adjustment of interest on capital. आपने क्या कर दिया, इसको adjust कर दिया. समझ में आ गया question? Question में क्या बोला गया था कि question में प्रॉफिट का शेयर नहीं दिया था कि कितना प्रॉफिट. उसने क्लियरली बोला कि एक फर्म में दो पार्टनर्स थे पी और क्यू जो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. उन्होंने गलती से अपने प्रॉफिट को बिना 12% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इन शॉर्ट वी कैन से जितने का भी प्रॉफिट रहा हो उस प्रॉफिट में से रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ तो मैं उसको क्या कर दूंगी, यानी वो क्रेडिट होना चाहिए था. कितने से वो क्रेडिट होना चाहिए था, 12% से. तो एक का शेयर था 2 लाख रुपए, दूसरे तीसरे का कैपिटल था 3 लाख रुपए. मैंने इनको 12% निकाला, दैट इज 24,000 एंड 36,000, यानी 60,000 का रॉन्ग इफेक्ट मैंने दिखाया था क्वेश्चन में. फिर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपने डेबिट कर दिया था, दैट इज 1:1, दोनों को इक्वल इक्वल बांट दिया था. 31 को हुआ था, लेकिन 30 में से पहले 24,000 का आईओसी पे करना था और 36 का आईओसी पे करना था, जिसका हमने इफेक्ट नहीं दिखाया था. आपने देखा इसका नेट इफेक्ट मैंने शो किया. इसके बाद एंड रिजल्ट ये आया कि जो पी था उसको 6,000 से डेबिट कर दो और क्यू को 6,000 से क्रेडिट कर दो, तो जो आपकी मिस्टेक हुई है वो आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी. और आपने देखा ये एक सिंगल एंट्री पास हुई है जिससे आपने ये सारी गलतियों को सही किया है. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी बुक में. देखिए एक क्वेश्चन होगा, रिया मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. तीन पार्टनर हैं आपका, जो अगला क्वेश्चन है उसमें तीन पार्टनर हैं, रिया मोना एंड निशा. तीनों पार्टनर का पीएसआर है 3:1 और 3 साल का प्रॉफिट दिया, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है. क्या क्या है, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000. दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली फॉर ऑल द गिवन फॉर ऑल द इयर्स गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम. अच्छा, आपके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ये गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, जो कि करना किसमें चाहिए था, 3:1 में. तो आपको इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट शोइंग सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट और इसकी मैं एंट्री पास करूंगी. टेबल बनाऊंगी सबसे पहले मैं. मेरे पास 3 पार्टनर हैं, रिया मोना एंड निशा. मैं टोटल का कॉलम इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि एक क्रेडिट होगा, टोटल से डेबिट तो निल इफेक्ट आएगा. तो मैं सिर्फ पार्टनर्स के बेसिस पे कर रही हूँ, रिया मोना एंड निशा. 3 पार्टनर्स हैं, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया. क्या बोल रहा है वो, हमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. पहले राइट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 3:1. तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देती हूँ तीनों को. कितना आ जाएगा ये, 140 प्लस 84,000 प्लस 106,000, दैट इज ऑफ रुपीज 3,30,000. 3,30,000 का प्रॉफिट है ये हमारा. ठीक है, अब इसको 3,30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं. पहले 3/6, 2/6 एंड 1/6. ये आएगा, आर का शेयर आएगा 1,65,000, एम का आएगा 1,10,000 और इसका आ जाएगा एन का 55,000. ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इन विच रेशियो, इन 1:1 कर दिया आपने. तो मैं 3:30 को करूंगी तो वो जाएगा 1,10,000, 1,10,000 ईच आ जाएगा आपका, 1,10,000 ईच तीनों का आ गया. अब इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है. इसका नेट इफेक्ट अभी आता है, एक सेकेंड आप देखिए ध्यान से. ये तो नेल हो गया, अब इनके आएगा इसका नेट इफेक्ट ए और बी का. ठीक है, अब हमारा जो रिया है, रिया आपका इसका इफेक्ट आया 165 आपका माइनस 110, दैट इज 55,000. और आपका जो निशा है
आपको पता है ये क्रेडिट आ रहा है, कैसे आ रहा है क्रेडिट, क्योंकि इस ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसका आपका डेबिट बैलेंस है, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम डेबिट किया हमने, और जो सही होना चाहिए था वो डेफिनेटली क्रेडिट होना चाहिए था। ऐसे ही जब इनका इफेक्ट निकाला मैंने तो ये क्या आ गया आपका, अच्छा ये देखिए इसमें से बड़ा कौन सा आ रहा है, ठीक है इसका आ जाएगा 110,000। पचपन माइनस एक दस, दैट इज 55,000 ऑफ डेबिट साइड। ये देखिए डेबिट साइड बड़ा है इसका, इसकी एंट्री में क्या पास करूंगी, इसकी एंट्री होगी निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो गया 55,000 से, और 55,000 से निया क्रेडिट हो गई, और इसके एंट्री के बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड, आपने प्रॉफिट की जो भी एडजस्टमेंट थी वो आपने पास कर दी, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मीता एंड उषा आर पार्टनर, मीता वर्सेस उषा क्या इनका रेशियो है, दैट इज 2:3। इनका जो 1 अप्रैल को कैपिटल है वो कितने का है, 2015 में कैपिटल शो हो रहा है दोनों का 1,40,000 एंड 1,20,000, यानी मीता का कितना है 140 और उषा का है 120, ठीक है फाइन। नेक्स्ट है अब इनका ड्राइंग भी दिया हुआ है, आपको पता है ड्राइंग इज द अमाउंट व्हिच इज पर्सनली यूज्ड बाय द पार्टनर, और इसके लिए पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फॉर्म को, और वो इंटरेस्ट फॉर्म का इनकम होता है, ठीक है। तो इन्होंने ड्राइंग कितना किया है 32,000 एंड 24,000 का, बोथ द अमाउंट वर ड्रॉन ऑन 1st of Jan, दोनों कब निकाला गया 1st of January 2016 को विड्रॉ किया है। साथ ही साथ में क्या लिखा है, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड, यानी कुछ ओमिशन हुई है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। पहली मिस्टेक क्या हुई है, IOC एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आपने नहीं दिया है। दूसरी मिस्टेक हुई है IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने 6% से पे नहीं किया है। और तीसरी मिस्टेक है जो मिता है उसको एक कमीशन मिलना चाहिए था, कितने का कमीशन है आपका ऑफ ₹8,000 जो पे नहीं किया गया है। तो आपको अब इन सब की एडजस्टमेंट देते हुए सिंगल एंट्री पास करके दिखाना। क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टनर्स हैं मिता एंड उषा, 2:3 उनका रेशियो था, 1st of April में आपको कैपिटल दिया गया 1,40,000 एंड 1,20,000, कुछ ड्रॉइंग का अमाउंट है आपका, और ड्रॉइंग विदड्रॉ 1st of Jan 1st of Jan को हो रहा है 2016 में। IOC 6% से नहीं पे किया गया, IOD 6% से नहीं पे किया गया है, और मिता का कमीशन था ₹8,000 का वो भी पे नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट स्टार्ट करूंगी, मैं सॉल्यूशन लिखूंगी। आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया था सॉल्यूशन में एक्चुअल सॉल्यूशन का पार्ट तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री ही होगी, ये आपको याद रखना है, बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो किस में जाने वाली हैं, वर्किंग नोट में। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट स्टार्ट करती हूँ, वर्किंग नोट 1 है मेरा, ये है कैलकुलेशन ऑफ IOC, जो गलतियां की हैं उसको सही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% नहीं दिया था उसको देंगे, मिता का हो जाएगा और यहाँ पे उषा का हो जाएगा। मिता ने 1,40,000 पे नहीं दिया है 6%, कितना हो गया दैट इज 84,000, और उषा ने 1,20,000 पे सॉरी नहीं मिला है कि ये तो फॉर्म देगी ना इनको, दैट इज 7,200। एक गलती है यानी 8,400 और 7,200 का मिस्टेक हुआ है। दूसरी कैलकुलेशन है मेरी कैलकुलेशन ऑफ IOD, ये वो अमाउंट है जो पार्टनर को फॉर्म को देना था, ठीक है। क्या क्या नहीं हुआ है आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, 1st of Jan 2016 को है। तो सबसे पहले मैं मिता की बात करती हूँ और फिर मैं उषा की बात करूंगी। मिता का हो गया आपका 32,000 रुपीज का 6%,
24,000 का 6%, 3/12 एंड 3/12 कितना हो गया, ये हो गया 4,80,000 और ये हो गया 3,60,000। मैंने आपको आईओडी करवाया था याद है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था दैट आपको ये देखना है कि कब कब आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम मिड ऑफ द ईयर ले लेंगे, मिड ऑफ द ईयर लेंगे तो अमाउंट की कैलकुलेशन कितनी होगी, 32,000 का 6% इसका 3/12 कितना आ जाएगा, 4,80,000 रुपीज, ठीक है। आईओडी हो गया, आईओसी हो गया, यानी हमने गलती की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, नहीं दिया था कैलकुलेशन कर लिया, यानी इतने की पेमेंट फॉर्म ने पार्टनर्स को नहीं दी है। फिर हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी इतना अमाउंट फॉर्म को नहीं मिला है पार्टनर्स से। और तीसरा जो मिस्टेक हुआ है वो आपने क्या किया है, कमीशन भी नहीं पे किया है। तो ये तो मैंने गलतियां निकाल ली सारी की सारी, कितने की कमीशन था 8,000 का। अब मैं बनाऊंगी एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उसको मुझे एंट्री के फॉर्म में दिखाना है। दो पार्टनर हैं तो मैं यहाँ पे टोटल का भी कॉलम बना देती हूँ, मिता उषा एंड योर टोटल। टोटल एक ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि उसका नेट इफेक्ट तो अल्टीमेटली जीरो ही आता है। सबसे पहले आपने क्या पे करना है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, कितना कितना 84,72, टोटल 15,000 नहीं दिए गए प्रॉफिट में से। आईओडी एट द रेट ऑफ 6% कितना है 480 एंड 360, ये आपको फॉर्म को मिलना है, 840 रुपीज फॉर्म को नहीं मिला। कमीशन एट द रेट ऑफ 8,000 किसको देना था, मिता को मिलना था जो नहीं मिला, मैंने मिता को पे कर दिया, इसका नेट इफेक्ट यहाँ पे आपका आ गया। अब देखो आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2:3 कितना आ गया, टोटल करो इसको आप एक बार, टोटल कितना आ रहा है 8,000 रुपीज, 15,600 प्लस 8,000 माइनस 840 कितना आ गया आपका 22,760 रुपए का जो इफेक्ट है वो गलत हुआ है। आपने इसको गलती से 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, मैं इसको निकालूंगी 2:3 में, वो आएगा 9,104 और 13,656 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करूंगी इसका राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था, मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को तो बांटा लेकिन ये सारे इफेक्ट इस ये और ये तीन इफेक्ट नहीं दिए थे जिसकी वजह से इतने की मेरे से गलती हो गई थी। अब मैंने इनका इफेक्ट देने के बाद जब इसको सही से बांटना स्टार्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको कौन से रेशियो में बांटूंगी, क्वेश्चन में क्या रेशियो दिया हुआ देख सकते हैं हम, 2:3 है, चलो उसको बांट के देखते हैं 2:3 में, मल्टीप्लाई बाय 84 प्लस 8,000 प्लस 9,104 माइनस 480 25,024 ये हो गया इनका 140 120, 14 और 12 का आएगा 6, 7 और 6, 22760 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ गया 12255, ये हो गया आपका 15920684022760 नेगेटिव, इसका नेट इफेक्ट देखिए कितना आया, इसका नेट इफेक्ट आ गया आपका, इसका नेट इफेक्ट है 6816 6816 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। एंट्री क्या पास हुई, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिता
capital account 6816 6816. इसके नरेशन मिलेगा बी इन आईओसी एंड अदर एरर एडजस्टिंग. तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए.